गृहमंत्री अमित शाह नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ हुए रवाना। हमले में घायल हुए जवानों से भी करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में लगा सप्ताहांत कर्फ्यू। अब राज्य में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा कड़ा लॉकडाउन। बाकी दिन लागू रहेगी धारा 144। मॉल, रेस्टोरेंट, बार रहेंगे बंद। वहीं राजस्थान जम्मू कश्मीर में कोविड मरीजों के बढ़ने के मद्देनजर स्कूलों में 9वीं तक की कक्षाएं 18 अप्रैल तक बंद। छत्तीसगढ़ में सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए बहादुर जवानों को आज बीजापुर में श्रद्धांजलि दी गई। शनिवार को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में 31 जवान घायल भी हुए। इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी मारे गए। वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम दो मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही झुंझलाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना। दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं ये जो घटना हुई है इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भूला नहीं सकता।
मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। फिर से एक बार मैं शहीद हुए हुए जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनका सर्वोच्च बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए मैं देश को विश्वास दिलाता हूं। पंद्रह दिन में अपना कंक्लूजन निकाले और कंक्लूजन के बेस पे सीबीआई डायरेक्टर विल टेक अ डिसीजन वेदर एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड और नॉट। ये समय सस्टेंस है, बाकी जो डिटेल बातें अभी ऑर्डर जब अपलोड होगी तो मैं आपको दे पाऊंगा। को लेकर के सवाल खड़ा किया गया था कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, परमवीर सिंह की भी, आपकी भी, जयसी पाटिल की भी, मेंटेनेबिलिटी के इशू पे अलग अलग पिटीशन को डील किया, हाईकोर्ट ने क्या कहा है? देखिए उस पर पूरा जजमेंट मुझे नहीं मिला है, लेकिन प्राइमरी बाइज जब मेंटेनेबिलिटी पे अगर कोर्ट को ऑब्जेक्शन होता तो कोर्ट ये ऑर्डर ही नहीं करता। मेंटेनेबिलिटी का बड़ा इश्यू नहीं था, कोर्ट ने ऑलरेडी हमारी प्रेयर ये पार्टली अलाउड कर दिया है। तो अब इसके बाद से सीबीआई को किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, कोर्ट को रिपोर्ट देनी है कि नहीं देनी है, उन सारी चीजों पर थोड़ी और हमें और क्लेरिफिकेशन दीजिए क्या होना है। नहीं नहीं अभी सीबीआई को कोर्ट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीबीआई खुद अपना एफआईआर, सीबीआई को लगता है और कॉग्निजिबल ऑफेंस है, सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करे। जयश्री पाटिल ने जो एफआईआर करी है कोर्ट ने कहा है उस पर भी सीबीआई देखेगी कि ये एफआईआर? हाँ सभी देखेगी, देखिए 15 दिन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है। यस यस सीबीआई सभी देखेगी इसमें और सीबीआई को फिर जो लगता है उस पर डिसीजन लेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो उच्च न्यायालय है उन्होंने मुझे मेरी जो इंक्वायरी है, जो मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है। विद इन 15 डेज सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है डायरेक्टर ने, और मुझे बुलाना है। मुझे ये कहना है अनिल देशमुख, अगर तुम होम मिनिस्टर हो, अगर तुम्हारे अंडर ये महाराष्ट्र के स्टेट पुलिस है तो आप ये इंक्वायरी प्रॉपर नहीं करने देंगे, ऐसा कोर्ट का व्यू था। और कोर्ट ने इसीलिए इसमें सीबीआई को कहा है डायरेक्टली कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें और इसमें मुझे बुलाएं। और मुझे ये भी कहना है कि अगर अनिल देशमुख आप पावरफुल मराठा लीडर हो और शरद पवार जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं उनका आपको ब्लेसिंग है, फिर भी आप कानून से ज्यादा नहीं हो, आप संविधान से ज्यादा नहीं हो। आपने भला ही मेरा नाम पुलिस डायरी में नहीं आने दिया, जो कि उच्च न्यायालय में माननीय चीफ जस्टिस ने कहा है कि इनका नाम पुलिस डायरी में क्यों नहीं, ये प्रेशर टेक्निक है यूज्ड बाय शरद पवार अनिल देशमुख। तो मुझे ये कहना है आप इस देश के कानून के से अभाव नहीं है, कानून से ज्यादा नहीं है। आप कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या कहा है आपको? मुझे कोर्ट ने ये कहा है कि डायरेक्टर जनरल जो सीबीआई के है वो इंक्वायरी करे इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और मुझे बुलाए, मुझे इन्फॉर्म करे और इसमें इफ नेसेसरी कॉग्निजेबल ऑफेंस तो एफआईआर रजिस्टर करे। जो एफआईआर की थी उसी पर ही कोर्ट ने कहा? इसी पर ही कहा, सिर्फ मेरा ही मैटर इंटरटेन हुआ, मेरा ही मैटर मेंटेनेबल हुआ और बाकी सारे पीआईएल और माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिए। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,16,82,136 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 92.80% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.31% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 52,847 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पूरे देश में कोविड इसके अब तक 7,91,00,000 से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का इलाज करवाकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 25,22,823 हो गई है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण को निष्प्रभावी करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। राज्य में कोरोना को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इन राज्यों में शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा।
राज्य में दिन भर के लिए धारा 144 को लागू किया गया है। मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स को बंद किया जाएगा। आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता से चलेंगे। उद्योग पूरी तरह से चालू रहेगा। कर्मचारियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सप्ताह के अंत में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में कड़ा लॉकडाउन रहेगा। सभी यातायात पहले की तरह जारी रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% की क्षमता से चलेगा।